فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها वजआला कलीमत कफरसुफला वकली वाहीज़ुल हकीम अजीज़ साथियों और मेरे प्यारे भाइयो असलकम वरक दुनिया अजायब खाना है अजीब व गरीब चीज़ें इस दुनिया में पेश आना ये कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि बसा अवकात ऐसे अमूर दरपेश आते हैं जो इंसान के लिए ताज्जुब होते हैं लेकिन उसी के साथ साथ ये भी एक हकीक़त है जो कुछ भी पेश आता है ये दुनिया में वो अल्लाह तबारक वक्म के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं के बगैर नहीं होता बसावकात ऐसी चीज़ें पेश आती हैं जो अजीब व गरीब उसके जरिए से अल्लाह तबारक वाले अपनी कुदरत का इजहार करना चाहता है अपने मुखलिस नेक बंदों की ताईद और उनकी मदद करना चाहता है और उसके मुख्तल से बहुत वजूहत हुआ करते हैं उन्हीं अजीब और गरीब चीजों में से एक वाकया मुझे तारीख और सीरत की किताबों में मिला जिसे इमाम जहबीर है महुल्ला अपनी किताब मजमोशयूख में और इमाम हाफिज़ इबन हजर रह्ला अपनी किताब अब्दरकामा में नकल करते इमाम जहबी र्ला ने इस किस्से को अपने उस्ताद जैनुलद्दीन अबुल हसन अर्रबी असलामी र्ला के हवाले से नकल किया है और उन्होंने ये किस्सा उस शख्स से सुना है जिसके साथ ये वाकया पेश आया चुनान इमाम जहबी हमला बयान करते हैं कि मुझे मेरे उस्ताद जैनुद्दीन अली बिन मरजू अबी ने यह बात बयान की उस वक्त मेरे हमारे पास हमारे उस्ताद तकीउद्दीन अलमेनसाती भी मौजूद थे तो हमारे उस्ताद ज़ैनुद्दीनबी ने बयान किया कि जमालुद्दीन इब्राहिम बिन मोहम्मद वीबी रह्ला से मैंने सुना बयान करते थे कि मैं सौनजक खजनंदार हो लाकू ये मुग़ल वो बादशाह चंगेज़ खां के जो ख़ानदान वाले थे और वो उसके घराने वाले जो थे जिनकी हुकूमत यहाँ इराक़ और यहाँ पर काफ़ी दिनों तक चली है उनमें का एक हाकिम गुजरा है सोनजक ये शख्स अपनी मां या अपनी बीवी जो असल नसरानी थे क्रिश्चियन थी उसकी वजह से इसने भी क्रिश्चियन मजहब नसारानियों का मजहब कबूल कर लिया था और शायद यह पहला शख्स है उस खानदान से जिसने नसरानियत को कबूल की थी तो जरत जैनउद्दीन बयान करते हैं कि उनके उस्ताद ने बयान किया कि मैं इस सोनजग की मजलिस के अंदर एक बार बैठा हुआ था मुगलों के बड़े बड़े सरदार भी मौजूद थे नसारा और क्रिश्चन के बड़े सरकर्दा लोग और उल्मा भी मौजूद थे सख्त सर्दी का जमाना था बर्फबारी हो रही थी कि उन्हीं नसारा में से एक उनका आलिम एक बड़ा शख्स खड़ा होकर के कहता है कि ये मोहम्मद क्या है मोहम्मद की क्या तुम बातें करते हो ये तो एक बकरी के चरवाहे थे अरब के कुछ खसीस, नवजबिल्ला भूखे प्यासे लोगों के दरमियान से उठे और अपना माल उनके ऊपर खर्च किया इसलिए कि इन्हें मोहम्मद को माल की जरूरत नहीं थी माल खर्च करके उन्हें अपने ताबे कर लिया इस तरीके से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहुदा बातें करने लगा आपकी तोहिन में जुबान दराजी करने लगा तो करीब ही सौंजक का एक बहुत ही पसंदीदा शिकारी कुत्ता बना हुआ था और इतना पसंदीदा था कि सौंजक ने उसे सोने के जंजीर में बांध कर रखा था वो ये बातें कर रहा था कि अचानक वो कुत्ता झपटता है जंजीर को तोड़ा और आगे बढ़ करके इस नसरानी के चेहरे के ऊपर उसने हमला किया अपने पंजों से उसे जख्मी किया यहां तक कि खून बहने लगा लोग जल्दी से उठे कुत्ते को पकड़ा उससे अलग किया और उसे छोड़ा करके जाकर के दोबारा बांध दिया हाजरीन में से किसी ने कहा कि तुम्हें यह सजा इसलिए मिली है कि तुमने मोहम्मद उनके बारे में यह गलीज़ बातें की है तो वो कहता है कि क्या तुम यह समझते हो कि कुत्ते ने मेरे ऊपर इसलिए हमला किया है कि मैं मोहम्मद Muhammad, umi, कि उनके बारे में हमने गुफ्तु की है नहीं ये कुत्ता बड़ा गैरतमंद है मैं अपने हाथों से इशारा कर रहा था हाथ झटक रहा था तो उसने यह समझा कि मैं उसके लिए उस पर मारने के हमला करना मार मारने का इशारा कर रहा हूं इसलिए वो हमारे ऊपर झपटा है वरना कुत्ता क्या और ये क्या चुनाचे वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा और बेहुदा बातें करने लगा अपनी बेहदा बेहुदा बातें वो कर ही रहा था कि कुत्ता दोबारा उसके ऊपर झपटा जंजीर को तोड़ा उसे जमीन पर पछाड़ दिया और पछाड़ करके उसके गले को अपने दांतों के नीचे जोर से दबाया और वहां से गोश्त का एक टुकड़ा जोर से काट करके फेंका और इसी में उस नसरानी की मौत वाके हो गई नसरानी की मौत का वाके होना था कि लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ हम जैसे जो मुसलमान थे वो कहते हैं मैं कसम खाकर कहता हूं मैं देख रहा था कि कुत्ता उसके गले को दबाया है और नोच रहा है उसे पछाड़ा हुआ है और कोई शख्स उसकी मदद के लिए दौड़ नहीं रहा है यहां तक कि जब कुत्ते ने उसके गले से एक टुकड़ा काट करके फेंका तो वहीं पर उसकी मौत वाकई हो गई कहा यह खबर देख करके लोगों को ताज्जुब हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत वादे हो गई और आहिस्ता यह खबर पूरे शहर इलाके में फैल गई जिसकी वजह से इमाम जहबी ने लिखा और हाफ़िज़ ने हजर ने भी कि चालीस हजार मुगो मुसलमान हो गए और शायद ये वही सबब बना है मुगोल के मुसलमान होने का और फिर इस्लाम में दाखिल होकर के इस्लाम की जो उनसे खिदमत हो सकती थी करने क्या जिसके तरफ अल्लामा इकबाल ने इशारा किया है, है आया यू रिश के अफसाने से पासबां मिल गए काबा को खनम सनम खाने से साथियों यह किस्सा हमने पढ़ा और आपने सुना सवाल यह है कि हमें और आपको इस किस्से सबक क्या मिल रहा है जो सबसे पहला सबक है वो ये है कि नबी करीम सदाह अभी वो उम्मी आपकी रिसालत का मामला यह है कि दुनिया की हर चीज आपको रसूल मानती बल्कि दुनिया और आसमान की हर चीज आपको रसूल मानती है आपकी रसालत का इकरार करती सिवाय जिन और इंस के नाफरमान लोगों के जिन्नों और इंसों के नाफरमान लोगों की और ये वो चीज है जिसका जिसकी खबर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी है मुसनद अहमद सुनंद दारमी वगैरह तआला अनहुमा से मरवी है वो बयान करते हैं कि एक बार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग सफर में थे कि हमारा गुजर बनू नज्जार के एक बाग से हुआ उस जमाने में बाग और आज भी यहां आप लोग देखेंगे बाग को जो होता है वो दीवारों से घेर देते हैं लोग इसे इहाता कहा जाता है इहाता घे बना दिया है और उसी से हमारे यहाँ देहातीबान भी हाता कहते हाता उस दीवार जो किसी खेत वगैरह के गिर जो है वो घेर दी जाते है। दीवार घेर दी जाती है तो अपने बागचे में लोग ऐसा करते थे ताकि अंदर वो अपना प्राइवेसी अपना पर्दा वगैरह बाकी रहे बाहर के लोग जल्दी आ ना पाए और जो घर के जो लोग रहते हैं उन पर लोगों की आसानी से नजर ना पड़े तो आ, वो बयान करते हैं कि एक बागचे से हमारा गुजर हुआ हम लोगों ने देखा कि एक बागचे में एक ऊंट है जो बिल्कुल बफरा हुआ है और गुस्से में है जो कोई भी उसके करीब जाना चाहता वो उसके ऊपर हमलावर हो जाता है फरमाया कि जब लोगों ने नबी अलैहि वसल्लम को बतलाया तो आप उस बाग में दाखिल हुए ऊंट को बुलाया जब अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं देख रहा था कि ऊंट आपके पास आया अपना जबड़ा आपका मुंह अपने सामने रख दिया और अपने दोनों सामने के घुटनों को टेक करके आपके सामने बैठ गया आपने लोगों से कहा कि इसकी नकेल कहां है ले आओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नकेल उसकी नाक में डाली और जो ऊंट का मालिक था उसके हाथ में उसकी नकेल पकड़ा दी और कहा ले जाओ उसके काम पर लगाओ ये देख करके लोग ताज्जुब किए लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवजह होकर के फरमाया था इन समाई वल अर्द इल्ला नम अन्नी रसूलुल्लाह। आसमान और जमीन के अंदर जो चीज भी है जो मखलूक भी है वो जानती है और इकरार करती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं सिवाए जिन्न वहा जिन्नतों और इंसानों में से जो अलगुनहगार अल्लाह के नाफरमान लोग हैं वो हमारी रिसालत का इकरार नहीं करते और आप लोग बार बार वो सुन चुके हों कि आप सरसों ने निशात फरमाया कि मक्के में एक पत्थर को मैं अब भी जानता हूं कि जब मैं उधर से गुजरता था तो वो मुझे असलकुम या रसूल कह करके मुझे सलाम करता था आप भी मैं जानता आज भी आज मैं जानता तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल वसल्लम की रसालत इस कदर आम है कि सारी दुनिया के जिन और इंस और सारी दुनिया की मखलूक पर आपकी रसालत का इकरार वाजिब है इसीलिए अल्लाह तला फरमाता है تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ताकि आप सारे आलम के लिए एक आलम नहीं आलम इंस के लिए आलम दोनों के लिए आप नजीर बनाए खैर यह मौजू लंबा है इसको यहीं पर छोड़ते हैं दूसरा फायदा अल्लाह तबारा व तआला का वादा है और उसका वादा सच्चा है कि वो अपने रसूल और रसूल के सच्चे मुतबईन की मदद करता है और उनकी तरफ से दिफा करता है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह शुभहाबारक वाल उन लोगों की तरफ से दिफा करता है जो लोग ईमान ले आए हैं सुर गाफिर में तो अल्लाह फरमाता है बेला शुभ हम अपने रसूलों की और जो लोग ईमान ले आए हैं उनकी मदद करेंगे दुनिया की जिंदगी में भी और हम सिर्फ दुनिया की जिंदगी में भी नहीं बल्कि कयामत के दिन भी हम उनकी मदद करेंगे ये अल्लाह तबारा व तआला की तरफ बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो आप पर ईमान ले आए बल्कि एक वाक को सुन करके जो किसी और मौके से मैं आपके सामने रखूंगा रत उमर फारूक रजी अल्लाह तला ने बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक वाले अपने मोमिन बंदे की तरफ से दिफा उसकी जिंदगी में जैसे करता है वैसे उसकी मौत के बाद भी उसकी हिफाजत करता है तो अल्लाह तबारक वाल का यह वादा है और अल्लाह तबारक वाल का वादा सच्चा है अगर हम पर अल्लाह की मदद नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि हम ईमान के दावे में झूठे हैं अल्लाह ताला का वादा झूठा नहीं हो सकता इसलिए हमें और आपको अपना मुराजा करने की जरूरत है तीसरा फायदा अगर मुसलमान अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की तरफ से दिफा करने से आजिद रह जाए तो अल्लाह तबारक वाल गैब से और अपनी अदना से अदना मखलूक के जरिए भी अपने बंदों की मदद करता अपने रसूल की मदद करता है अगर हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या किसी भी नबी के मुतबईन अगर नबी की तरफ से दिफा करने से आजिज आ जाते हैं चाहे ये उनका अज हक हो या उनका अज बातिल हो किसी भी तरीके से दोनों सूरत हो सकती है तो अल्लाह तबारक वाला अदना से अदना मखलूक जरा सोचे कुत्ता क्या चीज है आखिर उसे इसने ये खबर किसने दी कि ये अल्लाह के रसूल है तुम्हारा फर्ज है कि इनकी मदद करो आखिर कुत्ते की जंजीर को जो लोहे की जंजीर थी किसने तोड़ा है अगर इतनी छोटी कमजोर जंजीर होती कि एक झटके में टूट जाए <क्या> <क्या> तो उससे बांधा ही ना जाता उसको लेकिन कुत्ते का झपटना और जंजीर का तोड़ देना और तमाम मजमा जो सैकड़ों की तादाद में होगा इकट्ठा होना और इकट्ठा हो करके भी उसकी मदद ना कर पाना आखिर ये अल्लाह तबारक वाल की तरफ से नबी की देफार का दफा नहीं तो किसकी तरफ से अल्लाह तबारक वाल अपने नबी की दिफा पर कादिर है जिसका मजहर हम आपने बार बार देखा है जानते हैं अल्लाह तबारक तआला अपने नबी का दिफा आग से भी कर लेता है अपने नबी का और नबी के पैरोकारों का मामला तो यह है कि अल्लाह ताला की मखलूक पानी भी जो बेजान है उनको राह दे देती है ऐसे कितनी मिसालें आपके सामने होंगी और उससे आगे बढ़कर के अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाता है जरा आप सुने अल्लाह तरूफ वकद नए मुसलमानों अगर तुम अल्लाह के रसूल सलाह के तरफ से दिफा करने आपकी मदद से पीछा छोड़ाओगे तो तुम नबी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे याद करो उस वक्त को याद करो उस घड़ी को जब नबी बेसरो सामान अपने घर से निकलता है तो अल्लाह ताला कैसे उसकी मदद करता है कैसे उसकी हिफाजत करता है अगर रवायत सच्ची है तो एक ऐसा जानवर जिसे आप उंगलियों के दो उंगलियों के दरमियान में पकड़ करके मसल सकते हैं मकड़ी से भी अल्लाह तला नफी किफ़ात करवा लेता है फल्ला अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो अल्लाह ताला उसकी मदद न, उसकी मदद की है तो नबी की मदद करना साथियों नबी पर कोई एहसान नहीं करना है बल्कि अगर किसी शख्स को नबी की तरफ से दिफा करने का मौका मिल जाए तो यह उसके लिए भाई से शरफ है उसके लिए इज्जत है उसके लिए आजमत का मकाम है ना यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ बिगड़ने वाला है उनकी बात तो अल्लाह ताला करने वाला है अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ने उस वक्त भी अपने नबी की मदद की इस अखल कफरू जबकि काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर से निकाला था और आप दो थे गार के अंदर जाकर ही छुपे थे जब आपका साथी कह रहा था कि किल्ला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बिल्कुल गार के मुंह तक पहुंच चुके हैं अगर इनमें से किसी ने सर झुका करके देख लिया तो हमें पा लेंगे तो आपने क्या कहा था ला तहजन अबू बकर ना हो परेशान ना हो अल्लाह ताला हमारे साथ है अल्लाह फंसल्लाई तो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से इत्मीनान और सकीनत उन पर नाजिल की और क्या फरमाया बेजुनू दिलम तरहा और अल्लाह ताला ने ऐसी फौज और ऐसी जमात से उनकी मदद की जिसे तुमने देखा नहीं है ये तो कुत्ता था जिसे लोगों ने देखा है अल्लाह ताला अपनी मदद नबी की मदद करने पर कादिर ऐसी चीजों से भी है जिनको आप देख नहीं सकते जैसे अल्लाह ताला ने उस वक्त फरिश्तों से मदद की माए तफसी ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने एक मकड़ी को भेज करके गार के मुंह पर जाला जबकि ये सनद के लिहाज से किस्सा मुझे जहां तक याद है सही नहीं है लेकिन मुफसरीन ने लिखा है कि मकड़ी ने उसके ऊपर जाले डाल दिए तो कहने का मतलब यह है कि अगर मुसलमान अल्लाह के रसूल सरतम की खिदमत से आजीद आ जाते हैं तो यह ना समझें कि रसूल कुछ बिगड़ जाएगा नहीं अल्लाह ताला उनकी तरफ से दिफा करने वाला काफी है इसी तरह चौथा फायदा जरा गौर करेंगे अल्लाह तबारक वाली किसी वालिम को छोटे और हल्के अदाबों में मुबला करके संभलने सोचने और तोबा करने का मौका देता है किसी भी वालिम को उस पर हल्का अदाब ले आकर के उसे छोटे अदब में मुबतला करके उसे संभलने का सोचने का तोबा करने का मौका देता है फिर जिसकी किस्मत में अल्लाह तला ने हिदायत लिखी है वह संभल जाता है और जिसके लिए बदबख्ती उसका नसीब बन जाती है वो अपनी दरात पर आड़ा रहता है फिर अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त इस तरीके से करता है कि लोगों के वहमो गुमाने भी वो बात नहीं होती साथियों फायदा लिखते हुए मादिय करीब और मादिय बीद के दसियों वाकत मेरे सामने आए हैं अभी मादिय करीब में हाल के एक एफ पार्लियामेंट ने जो कुल फिल्मी दुनिया में काम करने वालों के साथ मिलकर के नबी करीम वसल्लम के बारे में एक गैर मुनासिब उसने फिल्म बनवाई आप आज भी अगर देखें अखबार में जाकर के नेट पे बिताए तो वाक्य आपको मिल जाएगा बनवाई जब देखा उसने कि चारों तरफ से मुजाहरात हो रहे हैं मुसलमान खड़े हो गए हैं उसने सोचा कि आखिर ये कौन सी जात है आखिर हमारी बदनामी इतनी क्यों हो रही है उसको अपनी जान तक का खतरा लाहिक हुआ वो कहता है उसके बाद से मैंने मुसलमानों से मिलना शुरू किया कुरान की तालीम कुरान को पढ़ना शुरू किया आश्रथम की सीरत पढ़नी शुरू की और फिर आकर के मुसलमान हो गया वो शक चक... और अभी करीब ही में आकर के उसने खान मक्का और मदीना जत की की है और आप सर के रोजे पर जब पहुंचा है तो शर्मिंदगी रो दिया तो ये अल्लाह ताला का मौका है बाबरी मस्जिद जिसको अभी जानते हैं जुलमन ढाया गया है वो शख्स जो सबसे पहले लोगों में था जिसने उसके ऊपर फावड़ा चलाए है कुदाल चलाया है पंजाब का रहने वाला था एक शख्स बाद में मुसलमान हुआ आकर के कोयत में रहा वहां मुसलमान हुआ और ऐसे एक से ज्यादा जरा देखें मुसलमान हुए कि उसने एक नहीं दो नहीं कहा कि एक मस्जिद को हमने ढाया है उसके एवज में मैं सौ मस्जिदें बनवाऊंगा उसके लिए कोशिश कर रहा है मुझे याद नहीं कितनी मस्जिदें उसने बनवा दी तो अल्लाह व कोता इसलिए कि वह खुद समझ रहा था कि अब मेरे लिए दुनिया तंग है हिंदुस्तान में पकड़े जाने का खतरा था, था वो भाग गया वहां से निकल करके वहां अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक वालिमों को उन छोटे छोटे अदा मुबतला इसीलिए करता है ताकि वो लोग तोबा करें छोटे हल्के आदाब का मजा हम उन्हें चखाएंगे बड़े आदाब से पहले लालुमियर जी ताकि वो लोग रजू करें अल्लाह की तरफ तोबा करें इस वालिम को जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा था अल्लाह ने एक मौका दिया अल्लाह ने मौका दिया क्या कुत्ते ने पहली बार सिर्फ उसका मुंह नोचा उसे खून आलूद कर दिया और उसे पकड़ लिया गया लेकिन चूंकि अल्लाह ने बदबख्ती उस पर मुसलत कर दी तो उसने तोबा नहीं किया लोगों ने समझाया भी सुझाया भी लेकिन उसे समझ नहीं आई साथियों यह ऐसी चीज है कि अगर इंसान अकल रखता है और, तो और रखता है गौर करे तो उसके समझ में बात आ जाती है आज दुनिया के वो हुकाम जो मुसलमान और दीन के दायों को तंग कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि उनकी लाखों कोशिशों के बावजूद ना उनके यहां सियासी इस्तकार है ना इक्तसादी फरावानी है ना अमन कायम है बल्कि वो लोग मुसलमानों को जिस कदर तंग कर रहे हैं उन पर मसाइब का सैलाब उतना ही बढ़ता जा रहा है आप देखें मैं सिर्फ अभी हिंदुस्तान की मिसाल दूं अरे मादी के करीब में पिछले साल दो साल है वालिम। कुछ वालिमों ने और शैतानों के ग्रुप ने मुसलमानों के खिलाफ मूव लिंचिंग और उन्हें मारने का सिलसिला शुरू किया ये इबरत है काश के लोग इबरत हासिल करें सोचे इस बारे में और मुसलमानों को भी अपनी इसलाह के बारे में सोचना चाहिए एक दो तीन चार बिहार से फला से मशरक से मगरब से जुनूब से शिमाल से हर तरफ से खबर आई कि हाँ भाई उस मुसलमान को मारा गया उसको मारा गया उसको मारा गया साथियों अभी चंद महीने भी नहीं गुजरे थे कि यह मामला मुबलिन चिंग का खुद उनके दरमियान शुरू हो गया हती कि ये मामला उनके बुतखानों तक बुतों के पुजारियों तक पहुंचा है और शायद आप शुमार करें तो जितने मुसलमान नहीं मारे गए तो उससे ज्यादा उनके पुजारी मारे गए और बाकी जो औरतों की बेजती हुई उन्हें कत्ल किया गया उनको जलाया गया और उनको वो अलग मसला है आज खुद वो अपने से परेशान है ये अल्लाह ताला मतनबे कर, कर रहा है मतनबे कर रहा है छोटे आदाब दे रहा है भी बड़े आदाब से पहले और सबसे बड़ा आदाब तो आखिरत में उनका इंतजार ही कर रहा है सच फरमाया है अल्लाह तबारक वाल नेम कर बितुरुकुख रिजुका अल्लाह तो उस वक्त को भी याद कीजिए जब आपके साथ काफिर लोग चाल चल रहे थे कोई कह रहा था कि आपको जकड़ दिया जाए बांध दिया जाए कोई कहता था कि आपको कत्ल कर दिया जाए और कोई कह रहा था कि आपको शहर बदर कर दिया जाए अल्लाह ने क्या उस पर दाली चढ़ाई है फरमाता है वयम कुरु वो अपनी चाल चल रहे हैं और अल्लाह ताला अपनी चाल चल 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 चलता है वो अल्लाह खैरमाकिन अल्लाह ताला से बेहतर चाल चलने वाला कोई और नहीं होता है शेख हाथियो बात लंबे लंबी ना हो सिर्फ एक आखिरी एक आखिरी बात कह के अपनी बात को रुकता हूं कि देखिए जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाए और हसद के आग में जल करके उसका दिल काला हो जाए जिसे हम और आप कहते हैं कि दिल सख्त हो जाए तो उसके ऊपर नसीहतों का कोई असर नहीं होता आदाब को अपनी आंखों से देखता है लेकिन वो इबरत हासिल नहीं करता है मुर्दों को अपने हाथों से दफन करता है लेकिन कब्र के बारे में नहीं सोचता है तबाहियां और बर्बादियां और सैलाब को अपने घरों में एक दो मंजिल तक पहुंचा हुआ पानी देखता है लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के बारे में नहीं सोचता हमारी कोताहियां और नादानियों की वजह से अल्लाह तबारक तआला ने महीनों तक हमें अपने घर से दूर रखा है फिर भी जब हमें फुर्सत मिली है तो अल्लाह के तरफ घर घर की तरफ आने की तोफीक नहीं होती है क्यों इसलिए कि यह दिल मुर्दा हो गया वला किन कसर कलूब होंगे अल्लाह तला परेशानियां क्यों ले आता है हमने उन्हें रसूल के नाफरमानों को सख्तियों के अंदर परेशानियों में इसलिए मुबतला किया है ताकि वो अल्लाह ताला के सामने रोए और गिरा गिराए आखिर अल्लाह ताला का जब आजाब आया सख्ती आई तो आखिर रोए क्यों नहीं नमाजों का रुख क्यों नहीं किया मजद आबाद क्यों नहीं की अपने गुनाहों से तोबा क्यों नहीं की वजह उसकी क्या है वाला किन कसर कुलूबूम हक यह है कि उनके दिल ही मुर्दा हो चुके जैसे जिसम जब मुर्दा हो जाता है तो उसके ऊपर ठंडे और गर्म पानी में कोई सतर नहीं पड़ता है आप उस पर कोड़े बरसाइए नश्तर चलाइए दिल को फाड़ करके निकाल लीजिए आंख को निकाल ले लीजिए वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगा क्या हो रहा है इस तक भी नहीं कहेगा वो क्यों इसलिए उसका जिस मुर्दा हो चुका है ऐसे जब हमारा दिल मुर्दा हो जाता है तो उसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आप को नबी अलैहि वसल्लम की तरफ से दिफा की तौफीक कदा फ़रमाए अल्लाह ताला हमें और आप को आप का हामी बनाए अल्लाह ताला हमें और आप को उन ग्रुप में शरीक करे जो नबी अलैहि वसल्लम की तरफ़ से दफा करने में पेश दर पेश रहते हैं रहमतुल्लाहि व बरकातहू सामय सामेकराम हमारे इलमी और अवमी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ हों और अपने दोस्त व अहबाब के साथ भी शेयर करें ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की असलाह और आपके लिए सदकी जहारिया बन जाए व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं याकूब अजीज़ जीरो जीरो नाइन डबल सिक्स फाइव जीरो एट नाइन फाइव नाइन सेवन जीरो सेवन व्हाट्सअप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ अब्दुलसलम उमरी जीरो जीरो नाइन डबल सिक्स फाइव जीरो टू सिक्स टू सेवन सिक्स डबल टू नंबर भेजते हुए नाम और पता जरूर लिखें इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दवा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की तला आपको फौरी हासिल हो जाए तमाम दुरुस्त मकालत और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इस्लामी दवा डॉट काम का मुशाह करते रहें असल वर्का